देसी एग्रो में आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इसकी जाली चेंज करने वाले हैं, इसमें लोहे की जाली लगी हुई है, इसमें हम स्टील वाली जाली लगाने वाले हैं, इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। ऊपर से हमने इसको निकाल लिया है, ये हमारी स्टील वाली जाली जो हम ला चुके हैं। इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट जो है वो इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 4 फीट उन्होंने बताया, अब इसको हम नापने वाले हैं। चलिए भैया नापिए, पहले ये चेक कर लेते हैं। 4 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई हमने अपने हिसाब से काटी है। देख सकते हैं कि 4 फीट से ये कम है, 4 फीट यहाँ पे करीब करीब 1 इंच के आसपास ये जाली चौड़ाई में कम है। और हमने इसका जो पूरा लेंथ लिया है, इसका पूरा लेंथ जो लंबाई है वो हमने रखी है 12.5 फीट, और चौड़ाई अभी हमने आपको दिखा दी, करीब 4 फीट में 1 इंच कम है। ऐसा हमने रखा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास दो झापे हैं, दोनों झापे के ऊपर वाला हम जब बदलेंगे जाली तो इसको बीच में से हम काट देंगे, तो लगभग 2 फीट उसमें और 2 फीट इसमें, दोनों ट्रालियों में, दोनों झापों में हम इसको लगा लेंगे। तो वो अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं कैसे काटना और कैसे लगाना है, सारा प्रोसेस मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपको जो बता रहा था कि हम जाली ऊपर लगाने वाले हैं, ये वाला सेक्शन है, यहीं पर हम 2 फीट के आसपास जाली काट के लगाएंगे। ये देखिए हमारा मेजरिंग टेप है, हम इससे नापने वाले हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, करीब 2 फीट तक जाना है और जाइए, ये रहा 2 फीट यहाँ पे, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 2 फीट देख सकते हैं आप, इसी साइज़ के हम जाली काटेंगे यहाँ से वहाँ तक। तो ये करीब 12 फीट होता है टाली का ये लेंथ, तो हम इसमें आधा इंची मतलब 6 इंची ज़्यादा रखेंगे, 12.5 फीट, ताकि आगे की तरफ लटका के उसको दबा सकें। तो वो सब प्रोसेस हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। जाली को हमने पूरी तरह फैला लिया है, अब हम इसको बीच से काटने वाले हैं, नाप के ऐसे काटे जाए, पकड़ जाएंगे भैया, तो हटा नाप लिए, यहीं पे ठीक है, इस काटू ठीक है। फाइनली कटिंग प्रोसेस पूरा हो गया, 2 हिस्सों में हमने इसको काट लिया है, और देख सकते हैं आधा जाली इस साइड में है और ये आधी जाली चोट लग जाएगा इस साइड में। इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है, 2 ट्राली है, 2 ट्रालियों में हम लगाएंगे, अब हम इसको लगाने वाले हैं। चलिए भैया अब ऊपर इसको लेके चलिए, अब कसाई शुरू की जाए। जैसा मैंने आपको बताया था किसी के ऊपर हम जाली लगाने वाले हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमारी जाली कटी हुई है, तैयार हो चुकी है, और हम अब इसको सेट कर रहे हैं। धीमे 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 धीमे, हाथ कट जाएगा यार, संभाल के धीमे धीमे, हो गया, इस साइड भी जाएगा ना। बहुत से लोग जाली को ऊपर के साइड में रखते हैं, और हम लोग इसको इस पतरे के नीचे कर देंगे दोनों साइड से, और इसके ऊपर से एक प्लेट हमने अलग से ऐड की है, उसको भी लगाएंगे, आपको दिखा दें, उससे बनाव अच्छा रहेगा। एक सरिया उसके आगे का हिस्सा जो है पतला कर दिया गया है, ये जो जाली में छेद करने के लिए है, कैसे काम करता है वो अभी आपको दिखाते हैं। देखिए भैया इस यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, ये रहा आपका जाली, अब यहीं करना है होल इसमें, और ताकि इसका जो बोल्ट है वो ऊपर आ सके, तब इसका इस्तेमाल यहीं पर करेंगे। चलो छेद डालिए, इस तरीके से करने के बाद आप नीचे से अपना जो है बोल्ट डाल दीजिए, वार्सल लगाइए, अपना नट कसिए, इस पर टाइट कर दीजिए भैया। इस तरीके से हमको पूरे जाली को कवर करना है, नट बोल्ट इसी तरह करते हुए हम जाएंगे। बीच में जो पट्टी लगानी है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कैसे लगाना है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमने सारे नट बोल्ट्स अपने टाइट कर लिए हैं, हमारी जाली कसी जा चुकी है,
अब इसके ऊपर से हम एक साइड सपोर्ट के लिए इस ऐसी पट्टियों का यूज़ करने वाले हैं। आमतौर पे लोग नहीं लगाते, बट हम इसको लगा रहे हैं। जैसे ये एंगल दिया हुआ है, वहाँ बीच में भी एंगल है, वहीं पे इन पट्टियों को, तीन पट्टियाँ हम फिलहाल तो कस रहे हैं अपने झापे के ऊपर, ताकि इससे ऊपर से भी बनाव हो जाए, क्योंकि अंदर से तो हमारी एंगल है उससे बनाव है, लेकिन ऊपर से कोई बनाव नहीं है, तो हम इसका यूज़ करेंगे ताकि अगर अधिक एयर बने, अधिक प्रेशर बने, तो ऊपर से इस जाली को दाबे। इसलिए हम इस पट्टी का भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये लगाने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसको लगाने से बेनिफिट ये है कि ऊपर से, मतलब ज़्यादा भी लोड पड़ता है तो जाली ऊपर से फटती नहीं है, है ना, फट जाएगी भाई, जाली फटती नहीं है, इसलिए आप ऊपर से इसको लगा दीजिए। जो 6 इंची हमने जाली को बाहर रखा था, देखिए हमने उसको भी इस तरीके से लॉक कर दिया है। एक पट्टी यहाँ पे लगा के इस तरीके से आपको लॉक कर लेना है, इस तरीके से देखिए पट्टी को लगाना है। ये एक पट्टी लगाई जा चुकी है, ये दूसरी वाली पट्टी देख सकते हैं लगाई जा चुकी है, ये थर्ड वाला देख सकते हैं एंगल है। अब हम इसमें होल कर रहे हैं, इसमें हम लगाएंगे। चल भाई छेद करो भैया, कहाँ पे है, बस सही से ही लगा देना है ना भाई। इस पट्टी को इस तरह लगा के और बस टाइट कर देना है। जैसे दो पट्टियाँ टाइट हो चुकी हैं, इस तरीके से इसको भी टाइट कर देना है। एंड फाइनली हमारा झापा तैयार हो गया है। अब हमारा एक काम इसमें बच रहा है, जो नीचे हमारा भूसा निकलने वाला जो सेक्शन है, जहाँ से भूसा निकल सकता है, उसको हम सही करने वाले हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे सही करना है। तो फाइनली हमारी टाली कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।